जब आप लोग इंडिया से कुवैत आते हो तो आपको इंडिया में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और बहुत से भाई लोग ऐसे होते हैं जिनको कुवैत एयरपोर्ट पर आके प्रॉब्लम हो जाती है और उन लोगों को जेल भी हो सकती है यहाँ पे। जैसे कि कुछ ऐसा सामान होता है और वो लोग ला नहीं सकते हैं और वो भाई लोग ला देते हैं कुवैत एयरपोर्ट पर, और उनको 3-4 दिन की जेल हो जाती है, यहाँ तक कि उनको उनके देश रिटर्न जाना पड़ सकता है। जैसे इंडिया किसी भी कंट्री के अगर आप लोग हो जहाँ पे गलती करते हो तो आपको गलती कभी भी नहीं करनी है। यहाँ पे आप लोग आते हो पैसा कमाने के लिए, तो आप लोग प्लीज़ यार ऐसी गलती कभी ना कीजिए और आप लोग यहाँ पे पैसा कमाने आइए। मुझे पता है कि आप लोग की कुछ मजबूरियाँ हैं यहाँ पे, तब आते हो पैसा कमाने के लिए। कोई भी ऐसा शौक नहीं है कि आप लोग यहाँ पे कुवैत आए। मुझे पता है कि आप लोग इस वीडियो को तभी क्लिक किए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम है कुवैत एयरपोर्ट पे ना हो, आप लोग कुवैत आना चाहते हो, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ कुवैत में आने के लिए। कुवैत का वीजा है और यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है मैं इसी तरह अपनी वीडियो में बनाता रहता हूँ। अगर आप लोग चैनल पहली बार, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना यार, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। चलिए मैं बताता हूँ कि आप लोग को यहाँ पे क्या सामान लाना है और क्या सामान नहीं लाना है। जैसे बहुत से भाई लोग आ जाते हैं इंडिया से कुवैत, जब वो भाई लोग इंडिया से कुवैत आ जाते हैं, इंडिया में उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे अगर वो लोग दवा वगैरह लाते हैं खाने के लिए, मेडिसिन वगैरह होती है, वो लोग इंडिया एयरपोर्ट पर कैसे भी बोल कर आ जाते हैं, और जबकि दवा बहुत ही ज़्यादा होती है, मेडिसिन जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है, बोल सकते हैं 1-2 किलो अगर आप लोग यहाँ पे लाते हो, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा अगर आप लोग यहाँ पे दवा लाओगे तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जो यहाँ पे पुलिस होती है कुवैत एयरपोर्ट की, वो बहुत ही अच्छे से चेकिंग करती है आपके लगेज वगैरह की। जो एक्सरा मशीन होती है आपको बहुत ही अच्छे से चेकिंग करती है कि आपके बैग में कुछ ऐसा सामान तो नहीं है जो यहाँ के कानून को फॉलो नहीं करता है। आप लोग प्लीज़ यार यहाँ पे दवा वगैरह इतनी ज़्यादा मत लाइए, अगर दवा वगैरह लाना है तो आप लोग थोड़ा मोड़ा लाइए, नहीं कि आप लोग 2-2 साल की दवा लाते हो। मैंने बहुत से ऐसे भाई को देखा है कि वो लोग को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो 1-1 साल की, 2-2 साल की दवा मंगा लेते हैं। आप लोग यार गलती कभी मत करना। और बहुत से भाई लोग का एयरपोर्ट जो कुवैत एयरपोर्ट पे होता है वो बच जाते हैं। जैसे कि अगर आप लोग कुवैत एयरपोर्ट पर आ गए और आपने 1 साल की दवा लाई, हो सकता है आप लोग चेकिंग से बच जाओ, लेकिन जब चेकिंग वगैरह होती है तो बहुत ही बुरी तरीके से होती है, आप लोग को साइड में कर देंगे, यहाँ तक कि आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए, हो सकता है आपको जेल भी हो जाती है। जैसे बहुत से भाई लोग ऐसे होते हैं, वो लोग दवा वगैरह लाते हैं 2-2 साल की, 3-3 साल की लाते हैं, ऐसा लगता है कि अब कुवैत में रहेंगे और इंडिया जाएंगे ही नहीं, इंडिया या पाकिस्तान किसी भी कंट्री में होते हैं वो लोग अभी जाएंगे ही नहीं, और 2-2 साल की दवा मंगा लेते हैं। जैसे क्या प्रॉब्लम ऐसी होती है, मुझे पता है कि भाई प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे पता अच्छे से, लेकिन आप लोग यार इतनी ज़्यादा ज़्यादा साल की दवा मत लाइए, इतनी ज़्यादा ज़्यादा दवाइयाँ मत लाइए। और जो कि यहाँ का कुवैत का एयरपोर्ट है वो लोग फॉलो नहीं करते हैं इतनी ज़्यादा दवाइयों का, बस थोड़ा मोड़ा, यानी कि 6 महीना, 5 महीना, 3 महीना, इतनी ज़्यादा अगर आप इतनी मात्रा में अगर दवा लाओगे, अगर किसी दूसरे बंदे के हाथ में आपने दवा दे दी और बेचारा वो फंस गया तो पूरी जिम्मेदारी आपकी है, पूरी गलती आपकी, क्योंकि अगर दूसरे बंदों को आपने दवा दे दी, जैसे आप कुवैत में हो और कोई नया बंदा आ रहा है कुवैत एयरपोर्ट पर कुवैत में काम करने के लिए, और आपके घर वाले ने उनके घर जाकर दवा दे दिया कि मेरा लड़का रहता है वो कुवैत में और ये मेरा लड़का बीमार रहता है, आप प्लीज़ यार मेरे लड़के के लिए दवा ले जाइए, तो बस बेचारा जो लड़का होता है जो कुवैत में नया 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 आने के लिए तैयार होता है वो तो दवा लेकर आ जाता है। इंडिया में भी क्रास हो जाता है किसी भी कंट्री, जैसे आप लोग किसी भी कंट्री से डिपार्चर करोगे तो आप लोग वहाँ पे क्रास हो जाओगे, अगर पकड़े गए तो आप लोग बोल सकते हो आप लोग का देश होता है कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है तो मैं दवा ले जा सकता हूँ, तो आप लोग वहाँ पे क्रास हो जाओगे। मुझे पता है 80% चांस लोग होता है, 80% चांस होता है कि आप लोग वहाँ पे क्रास हो जाओगे, लेकिन कुछ ऐसा चांस होता है जैसे कि कुवैत एयरपोर्ट में आप लोग को अच्छे से यहाँ पे चेकिंग वगैरह करते हैं। मुझे है आज के, मैं 2 साल पहले यहाँ पे मैं दवा ला रहा था कम से कम 2 महीना की, एक बंदे की वो सिरप था, कुछ टेबलेट वगैरह था, यानी कि खांसी बुखार ये सब दवा थी, ज़्यादा कुछ भी नहीं थी कि आप लोग 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना की दवा मैं लेकर कभी भी नहीं आता हूँ कि किसी बंदे की। वो बंदा मुझे बोला कि 2 महीना की दवा है, एक सिरप है, बाकी टेबलेट वगैरह है, कुछ पैनाडोल वगैरह और पैरासीटामॉल वगैरह थी, तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया एयरपोर्ट पर लगेज में। जैसे मेरा लगेज आया तो मुझे आगे जाकर एक पुलिस ने हाथ दे दिया, रोक दिया, बोला कि इस लगेज में क्या है, मैंने बोला कुछ भी नहीं है, तो मेरा लगेज पूरा खोल दिया, तो बाद में पता चला कि इसमें दवा थी, मुझे पता था दवा थी, तो उसने मेरा लगेज खोला तो बोला किसकी दवा है, मैंने बोला कि मेरा फ्रेंड है, मैंने सच्चाई बोली, ना कि मैंने बोला कि मेरी दवा है मुझे प्रॉब्लम है। अगर मैं वहां पे झूठ बोलता, यानी कि अगर मैं वो बोल देता कि मेरी दवा है, तो हो सकता है मुझे चेकिंग वगैरह करते कि आपको कुछ क्या प्रॉब्लम है, आपको बॉडी एक्सरे में ले जाते, आपको यहाँ पे मेडिकल करा सकते थे, तो आप लोग पकड़े जाते, तो मैंने सच बोल लिया कि यहाँ पे एक बंदा रहता है वो कुछ प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मैं दवा लेकर आया हूँ 1-2 महीने के लिए, और साथ में उसकी बिल थी क्या क्या दवा है, जो कि पैरासीटामॉल है और जो कि सिरप वगैरह है, तो मैंने उसको पूरा बताया कि ये सब ऐसा है, ना कि कोई ऐसी दवा है कि जो यहाँ के कानून को फॉलो नहीं करती है।
तो गाइस आप लोग 1-2 महीना के लिए दवा ला सकते हो किसी भी बंदे की, लेकिन साथ में उसका जो कि मेडिकल जो कि डॉक्टर द्वारा साइन वगैरह होती है उस पर पूरा लिखा वगैरह होना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। जैसे 1-2 महीना कोई बात नहीं, 3 महीना भी कोई बात नहीं होती है। जैसे अगर डॉक्टर के द्वारा भाई डॉक्टर के सलाह के द्वारा अगर आप लोग यहाँ पे दवा लाते हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बस डॉक्टर की साइन होनी चाहिए। और डॉक्टर जो कि बिल वगैरह होती है ना, डॉक्टर डॉक्टर मोहम्मद डॉक्टर ये सब फलाने, तो उसमें जैसे पर्ची होनी चाहिए कि डॉक्टर ने मुझे दवा दिया है, यहाँ पे एक लड़का रहता है, तो आप लोग बच सकते हो, कुछ चांस होता है। अगर आपने दवा बस ला दी, बस दवा ला दी, यानी कि कुछ भी प्रूफ नहीं है कि किसकी किसकी दवा है, क्या है, किसने किस डॉक्टर ने दिया है, तो आप लोग यहाँ पे फंस सकते हो। कुछ बंदे पिछले पास्ट में ऐसे फंसे हैं कोई एयरपोर्ट पर आके, और पिछले 2 महीना पहले यहाँ पे भी ऐसा कुछ कानून लगाया गया था कि आप लोग कोई एयरपोर्ट पर जब आओगे तो इतनी दवा ला सकते हो। बहुत से भाई लोग को शुगर होती है और ब्लड प्रेशर होता है, वो लोग दवा मंगाते हैं 1-1 साल की। तो बहरहाल अभी ब्लड प्रेशर के लिए कोई बात नहीं, आप लोग दवा ला सकते हो 6 महीने की, लेकिन अगर चेकिन वगैरह होगी तो वहाँ भी मुश्किल है। और शुगर के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुगर के लिए भी दवा आम बात है, आप लोग दिखा सकते हो। और डॉक्टर की भाई सलाह आप लोग डॉक्टर के द्वारा ये सब पर्ची दवा ले सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे आते हो थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि भाई आप लोग यहाँ पैसा के लिए आते हो, तो प्लीज यार आप लोग गलती मत कीजिए। किसी भी बंदे की दवा लाने से पहले आप लोग उससे अच्छे पूछ लीजिए कि ये कितने महीने की दवा है। बहुत से भाई लोग आते हैं नए नए, खुश हो जाते हैं, क्या भी सामान दे देते हैं दूसरे लोग, वो ले लेते हैं। प्लीज यार आप लोग पूछिए, जैसे अगर आप लोग को कोई मिठाई वगैरह देता है उसमें पूछिए क्या है, इस डब्बे में क्या है, यानी कि जब कोई एयरपोर्ट पे आओगे तो घर वाले तो वहां पे रहेंगे नहीं, आपको कोई एयरपोर्ट पर जवाब देना पड़ेगा। जैसे अगर कुछ बंदे आपको दे दिए, यानी कि किसी के घर वाले आपको दे दिए कि मेरा लड़का रहता है वहां पे रहता है, आप प्लीज ले जाइए मेरा सामान है, आप एक बार उनसे जरूर पूछ लीजिए कि इस डब्बे में क्या है, जैसे मिठाई हो गया, रसगुल्ला, कुछ भी हो गया, फॉर एग्जाम्पल, तो मिठाई होगी कोई बात नहीं। और अगर कोई बंदा ऐसा कुछ सामान दे देता है जैसे कि आपको पता नहीं है, हो सकता है कुछ ऐसी गलत चीज दे दे आपको फंसाने के लिए, ये भी गलती कभी भी नहीं करनी है, हो सकता है आपको जेल हो जाए यहाँ पे आके। जैसे अगर आप लोग गांजा वगैरह यहाँ पे ला देते हो, चरस वगैरह, और किसी वजह से आपको, यानी कि आपका कोई दुश्मन है घर वगैरह के बगल में और झूठ बोलकर आपको दवा दे दिया, और दवा नहीं थी, पता चला कि उसमें चरस वगैरह है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, यहाँ तक कि आपको जेल हो सकती है, 6 महीना साल भर की जेल हो सकती है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जो अरब का एयरपोर्ट होता है बहुत ही खतरनाक एयरपोर्ट होता है, यहाँ पे चेकिंग वगैरह एक्सरे वगैरह बहुत ही हाई फाई होता है। अगर आप लोग एक भी सामान ले जाओगे तो आपको तुरंत तो कैश कर लेगी मशीन वगैरह, वहां पे आवाज आने लगती है कि टुक 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 टुक, यानी कि उसमें आवाज आती है, कुछ प्रॉब्लम है इस बैग में। तो यार प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब आओगे तो आपकी गलती भी नहीं रहेगी, आपको फालतू में जेल हो जाएगी। आप लोग यानी कि जिस बंदे की गलती है वो तो फंसेगा नहीं, जिस बंदे ने आपको दवा दी वो तो भाई इंडिया में है आपको फंसाने के लिए, तो ऐसा किया। तो प्लीज आप लोग अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, अगर आप लोग सावधानी नहीं करेंगे, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो आपका कभी भी भला नहीं चाहते हैं, वो लोग आपको फंसा सकते हैं यहाँ पे कोयताने के लिए। और वो लोग सोचते हैं कि ये लोग गरीब के गरीब रहें, ना कि आप पैसा कमाओ, तो वो लोग ऐसा सोचेंगे कि आप कैसे भी फंसो, आप लोग की लाइफ कैसे भी झंड हो, खराब हो, आप लोग कोयत ना जा पाओ, कोयत एयरपोर्ट में फंस जाओ, आप लोग एयरपोर्ट में फंस जाओ। तो प्लीज यार ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि कोयत का एयरपोर्ट जो होता है, सऊदी किसी भी कंट्री का जो एयरपोर्ट होता है, थोड़ा अभी अलर्ट हो चुका है, थोड़ा अभी सावधानियां पूर्वक वो लोग बहुत ही ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। अगर आप लोग ऐसी तरह की कुछ गलती करते हो तो आपको जेल हो सकती है, यहां तक कि आपको कभी भी ऐसे कंट्री अलाउ नहीं रहेगा, जैसे कि वो लोग ऑनलाइन कर देते हैं कि ये बंदा इस चीज में पकड़ा गया है, तो बस आपको सऊदी, कतर, ओमान किसी भी कंट्री अलाउ नहीं रहेगा, आप एक एयरपोर्ट से आपको ऑनलाइन कर देंगे। तो गाइस चलिए आज की वीडियो को यहीं पेंड कर देते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है यहाँ के आने के बारे में, या कोई भी चीज़ का सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हो, मैं आपका कमेंटों का जरूर आंसर देता हूँ। और क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो यहाँ पे बनाता रहता हूँ, कुवैत, गल्फ या अरब कंट्री के बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, चैनल को अपनी सब्सक्राइब कर देना।